देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में दो चरणों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पहले चरण यानी 2 जनवरी को 7 जिलों में, दूसरे चरण में 7 जनवरी को 10 और 8 जनवरी को 11 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान आपने गौर किया कि पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है। अगर आप देश भर की तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि आधी आबादी यानी महिलाएं बड़ी संख्या में इस महायज्ञ में योगदान दे रही हैं। सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हम जैसे मतलब निडर होके इसे वो करवाए तो आप भी निडर होके करवा लीजिए, इससे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मतलब अच्छा लग रहा है कि लगा लेंगे तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। आगे वाले को भी यही बताएंगे कि नहीं, मतलब इसमें कोई डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो लगाना जरूरी है क्योंकि इतने दिन से हम परेशानी उठा रहे हैं, उससे कब मतलब एक ही बार उससे हम लोग को फायदा मिलेगा बहुत। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में सभी केंद्रों से ईटीवी भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। यही प्रोसेस कोरोना टीकाकरण के लिए भी होगा। शहरी, ग्रामीण, आदिवासी हो या नक्सल प्रभावित इलाके, हर जगह महिलाओं ने पूरी प्रक्रिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश के 1349 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगेगा। पहले चरण में 99 केंद्रों में टीके लगाए जाएंगे, जिसमें 75% से ज्यादा महिलाओं की ड्यूटी लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए 96% स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। इनको टीका लगने टीकाकरण में जो स्वास्थ्य टीकाकरण में अभी तक तो मैंने ये देखा कि 4 लोग अगर टेबल में बैठे हैं तो 3 महिलाएं, नर्सेज और आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, इन लोग काफी सक्रिय रूप से आगे आके भाग ले रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप एक अस्पताल का अमला देखेंगे तो ज्यादा संख्या नर्सों की होती है, तो नर्स महिलाएं नर्स ज्यादा हैं, मेल नर्सेज कम है, तो ऐसी भी संख्या में तो 4 जो एक सब हेल्थ सेंटर में पोस्ट होते हैं उसमें 75% तो महिलाएं होंगी, प्लस जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है वो महिला भी हैं पुरुष भी हैं, तो महिलाओं की उपस्थिति स्वास्थ्य विभाग के सेवा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि मैंने आंकड़ा तो नहीं लिया है कि 75% से ऊपर होगा। 16 जनवरी से होने वाले कोरोना टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ में कितने केंद्र बनाए गए हैं, कितने स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती होगी और उसमें कितनी महिलाएं होंगी, जिलेवार एक नजर डाल लेते हैं। रायपुर में कुल 46 सेंटर होंगे। हर सेंटर पर 5 लोगों की ड्यूटी लगेगी, जिसमें 95% महिलाएं रहेंगी। धमतरी में टीकाकरण के लिए कुल 34 केंद्र बनाए गए हैं। 170 स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगी है, उसमें से 102 महिला हेल्थ वर्कर्स हैं। गरियाबंद में कुल 86 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 673 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, जिसमें 534 महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या सिर्फ 139 है। बलौदाबाजार जिले में कुल 38 केंद्र बनाए गए हैं। कुल स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या 190 है, जिसमें महिला स्वास्थ्य कर्मचारी 80 हैं। बिलासपुर में वैक्सीनेशन 55 सेंटर्स पर होगा। जिले में कुल 330 हेल्थ वर्कर्स होंगे, जिसमें 165 महिलाएं होंगी। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। गोरेला पिंडरा मरवाही में 16 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। कुल 148 हेल्थ वर्कर्स की तैनाती है, इसमें 48 महिलाएं होंगी। कोरबा जिले के 45 केंद्रों में 168 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और इसमें लगभग सभी महिलाएं हैं। जांजगीर चांपा जिले के कुल टीकाकरण सेंटर 60 हैं, इसमें कुल 420 लोगों की तैनाती होगी, 70% से ज्यादा महिलाएं होंगी। दुर्ग जिले में 54 सेंटर पर टीकाकरण का कार्य होगा। कुल 270 लोगों की टीम तैनात होगी और इसमें 108 महिलाएं होंगी। कवर्धा जिले में कुल 35 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 175 लोगों की टीम तैनात होगी और इसमें महिला स्टाफ 75 होगा। बेमित्रा जिले में कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 130 हेल्थ वर्कर्स तैनात होंगे और इसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 52 होगी। मालोह जिले में प्रथम चरण में जिले के 6267 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा और इसके लिए 41 केंद्र बनाए गए हैं और इस प्रक्रिया में नर्सिंग कॉलेज के 387 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सरगुजा जिले में 85 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और इसमें 100% महिला कर्मचारी यानी ANM की ड्यूटी तैनात की गई है। सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रह सकते हैं। जशपुर जिले में कुल 44 सेंटर्स पर टीकाकरण होगा। कुल 264 हेल्थ वर्कर्स तैनात होंगे और इसमें महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या 88 होगी। सूरजपुर जिले में कुल 49 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 15 है। बस्तर जिले में कुल 57 सेंटर्स पर टीकाकरण का कार्य होगा। कुल 285 स्वास्थ्य कर्मी तैनात होंगे, जिसमें 150 महिलाएं होंगी। पूरे बस्तर संभाग में 500 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा देंगे। कांकेर जिले में कुल 24 सेंटर्स पर टीकाकरण का कार्य होगा। 240 हेल्थ वर्कर्स तैनात होंगे और इसमें महिला कर्मचारी 200 होंगी। 10 सेंटर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होंगे।
दंतेवाड़ा जिले में कुल 14 सेंटर बनाए गए हैं। 200 हेल्थ वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 108 और 100 की सेवाएं ली जाएंगी। कोंडागांव जिले में कुल 20 सेंटर्स होंगे। 20 सेंटर्स पर 125 हेल्थ वर्कर्स तैनात होंगे और महिला स्टाफ की संख्या 100 होगी। इसमें से 7 केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में हैं। इसी तरह रायगढ़, महासमुंद, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर और नारायणपुर में भी हर केंद्र पर 5 से 6 लोगों का स्टाफ कोरोना टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर प्रक्रिया में 50% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने के इस महायज्ञ में आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।